हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का सब्जेक्ट प्रोडक्शन, उसका एक हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क स्टडी। अच्छा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी को अगर ध्यान से देखें तो इसके टर्म को समझने की कोशिश करें। वर्क स्टडी मतलब कि कुछ काम होगा और उस काम के बारे में हमको पढ़ना होगा। बोलो, क्लियर है? अच्छा, अगर कुछ काम होगा और उस काम के बारे में हमको पढ़ना है तो काम के बारे में हमको क्या पढ़ना हो सकता है? बोलो, क्लियर है? तो वर्क स्टडी में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करना है। मेरे को बोला गया है सिर्फ एग्जांपल है कि ये जो मार्कर है उसका असेंबल करना है। उसको क्या करना है? सब पूरा पार्ट अलग अलग किया गया और इसको क्या करना है? असेंबल करना है। बोलो, क्लियर है? तो असेंबल करने का कुछ मेथड होगा। बोलो, क्लियर है? और कुछ मेरे को इसमें टाइम भी लगेगा। तो हम लोग प्रोडक्शन में क्या पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी के बारे में, कि कोई भी काम अगर हमको करना है तो हम लोग उसको किस मेथड से करें ताकि मेरा कॉस्ट कम से कम आए और सिंपलिसिटी से हो सके। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें कम से कम टाइम लगे। बोलो, बात क्लियर है? तो हमको कोई भी काम अगर दिया जाता है वर्क स्टडी के केस में, जो हम लोग वर्क स्टडी जो पढ़ते हैं उसमें अगर कोई भी मेरे को प्रोसेस दिया हुआ है तो उस प्रोसेस का मेथड और उस मेथड को करने में टाइम, बोलो क्लियर है? इन दोनों के बारे में हम लोग वर्क स्टडी में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। बोलो, क्लियर है? अब हम लोग सिंपल वर्क स्टडी का डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ढंग से बात को समझने करें कोशिश करें। पॉइंट नंबर वन, वर्क स्टडी से रिलेटेड क्या है ये पॉइंट, समझने की कोशिश करें। बोलता है कि वर्क स्टडी इज अ टेक्निक। वर्क स्टडी क्या है? टेक्निक है विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ, जो किस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। नंबर वन, दो तरीके के प्रॉब्लम के साथ डील करता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? एज हाउ शुड वर्क इज टू बी डन, कि अगर कोई काम तुमको दिया गया है तो उसको कैसे करना है, इसका मतलब मेथड है कि किस मेथड से उस काम को करना है। और दूसरा, एंड हाउ मच टाइम ए जॉब शुड टेक फॉर कंप्लीटेशन, और दूसरा चीज कि उस जॉब को, उस काम को करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए हमको कितना समय लगता है। फिर से, वर्क स्टडी एक टेक्निक है जो किस टाइप के प्रॉब्लम के बारे में डील करता है, दो तरीके के प्रॉब्लम, कि कोई भी जॉब है, कोई भी जॉब जैसे मार्कर असेंबल करना है तो वो कैसे असेंबल होगा, मतलब किस मेथड के थ्रू होगा, और दूसरा, इसको असेंबल करेंगे तो हमको टाइम कितना लगेगा। बोले, बात क्लियर है? ये तुम्हारा पहला पॉइंट था। चलो, इसका आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, और भी अच्छा पॉइंट है वो। दूसरा पॉइंट देखें, ये क्या बोलता है, अच्छे से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वर्क स्टडी इज ए जनरल टर्म, यह क्या है, जनरल टर्म है फॉर दोज टेक्निक विच आर यूज इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेंट्स एंड विच लीड्स सिस्टमेटिकली टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्ट विच इफेक्ट इफिशियंसी। बोलता है कि वर्क स्टडी क्या है, तो बोलता है एक जनरल टर्म है, वो किस तरीके का टेक्निक यूज होता है सो सुनना, कि कोई भी ह्यूमन कुछ भी कर रहा है, जो भी काम वो कर रहा है, तो वो काम करने को कौन सा प्रोसेस यूज करता है, ठीक है, उसको कितना समय लगता है, मतलब ह्यूमन वर्क इन ऑल इट्स कंटेंट। कंटेंट का मतलब यही हो गया कि जो जो वो प्रोसेस यूज करता है किसी को काम करने के लिए और उसमें कितना टाइम लगता है, सही है? एंड विच लीड्स सिस्टमेटिकली टू इन्वेस्टिगेट ऑल द फैक्ट विच इफेक्ट इफिशियंसी, है ना? और हम लोग उसमें जब भी मेरे को पता चलता है कि क्या मेथड और कितना टाइम लग रहा है तो उसको हम अच्छे से डील करते हैं और देखते हैं कि कहां पर, है ना, कौन सा चीज ऐसा है जो प्लांट के इफिशियंसी को या कोई भी मशीन के इफिशियंसी को या कोई भी ह्यूमन के इफिशियंसी को क्या कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल मतलब है, एक बात समझने की कोशिश करें। अगर मान लो कोई काम कर रहे हो, कोई भी तुमको दे दिया गया है, जैसे कि मार्कर असेंबल करने के लिए दे दिया गया है, और सोचो कि अगर इसको असेंबल करने में एक मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, दो तीन तरह का मेथड यूज कर रहे हैं। पहला मेथड कर रहे हैं यूज, तो उसमें मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है,
बोलो क्लियर है। अच्छा दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो अगर हम लोग वर्क स्टडी के थ्रू अगर इसको पढ़ेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई देखो इस मेथड से किया था तो कम टाइम लगा था, इस मेथड से किया तो ज्यादा टाइम लगा। तो हम क्या चाहेंगे कि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि कम से कम समय लगे और मेथड भी क्या हो, अच्छा से अच्छा हो। यही ये चीज का जो लिखा हुआ है इसका शाब्दिक अर्थ है। बोलो क्लियर है। हाँ एक बात हमको आपको बता देते हैं, अपना बोर्ड छोटा है इसलिए हम लोग ब्रेक कर करके थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए पीडीएफ आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी, एक बात सोचो कि अगर मान लो कि वर्क स्टडी के थ्रू तुम लोग किसके बारे में पढ़ते हो तो भाई कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, बोलो क्लियर है, और क्या हम करना चाहिए कि वो कितने देर में वो काम कोई भी वर्क या कोई भी जॉब है वो कंप्लीट होता है इसके बारे में। तो अगर वर्क स्टडी से ये चीज़ हमको पता चल जा रहा है तो क्या हम लोग वर्क स्टडी में क्या कर रहे हैं कि हम लोग नया ऑपरेशन सीखते हैं, है ना, क्यों सीखते हैं, ताकि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं नया मेथड सीखते हैं ताकि कोई भी काम जो है वो क्या हो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बोलो क्लियर है। जैसे मार्कर को अगर असेंबल करना है तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हमको अगर बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है तो हम लोग कहाँ से करते हैं, वर्क स्टडी से। तो क्या बोलता है सबसे पहले सुनना कि अगर इस पॉइंट को पहले को छोड़ दो दूसरे को देखो, है ना, बोलता है वर्क स्टडी ब्रिंग्स हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन मशीन और मटेरियल। वर्क स्टडी से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्टिविटी किसका हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मैन मशीन और मटेरियल का। अच्छा दूसरा बोलता है कि चूज फास्टर मेथड टू डू ए जॉब, है ना, कोई एक ऐसा मेथड हम लोग क्या यूज करते हैं ताकि जॉब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अच्छा टू डिटरमाइन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशन, है ना, वर्क स्टडी के थ्रू हम लोग बेस्ट मेथड यूज करते हैं ताकि हम लोगों का कोई भी ऑपरेशन या हर ऑपरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। और इससे क्या होता है कि हम लोग साथ साथ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क टू डू ए जॉब, है ना, और हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम हमको पता चल जाता है कि कोई भी काम करने में कितना समय लगेगा। बोलो क्या, क्योंकि हमने सब स्टडी करके रखा हुआ है। सोच ले कि मेरा एक मेथड था, उसमें बताया गया था कि भाई ये मेथड है, एक मेथड नंबर वन उससे मार्कर का असेंबल 5 मिनट में होगा, एक दूसरा मेथड है उससे मेरे को पता चल गया कि भाई मार्कर का असेंबल जो है वह 10 मिनट में होगा, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, 5 मिनट वाले को, है ना, अगर उसका मेथड भी अच्छा है तो 5 मिनट वाले को। तो अब मेरे को पता चल जाएगा ना कि एक मार्कर को असेंबल करने में कितना समय लगने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोला गया टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्कर टू डू ए जॉब। मेरे को पता चला है कि हो इस पर अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट, है ना, स्टैंडर्ड टाइम आगे आएगा, इसको और अच्छे से डील करा जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम है स्पेशल टाइम, जब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ जब टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा उस समय इसको समझाया जाएगा। बोलो क्लियर है। सिंपली ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पहला चीज हम लोग क्या करते हैं वर्क स्टडी के थ्रू हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, किसका, मैन मशीन और मटेरियल का। दूसरा हम लोग बढ़िया सा फास्टर मेथड यूज करते हैं, है ना, किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। बोलो क्लियर है। अच्छा फिर क्या बोला, हम लोग बेस्ट मेथड यूज करते हैं, मेथड बेस्ट और फास्टेस्ट मेथड दोनों में अंतर है। फास्टेस्ट मेथड कहने का मतलब कि वो काम जल्दी कंप्लीट होगा, और बेस्ट मेथड कहने का मतलब कि उसको टाइम से रिलेटेड नहीं है, क्या मेथड क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। बोलो क्लियर। हम क्या चाहेंगे कि मेरा मेथड भी बेस्ट हो और समय भी कम लगे, तो ये दोनों काम कौन करके देगा, वर्क स्टडी, दोनों काम उससे। अच्छा अगर मेरा मेथड फास्टेड है, सॉरी मेथड मेरा बेस्ट है और फास्टेड भी है, है ना, फास्टेड भी है और बेस्ट भी है, तो ऑटोमेटिक है कि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है। तो इससे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। बोलो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बात को समझने की बहुत ही जरूरत है। क्या लिखा हुआ है, वर्क स्टडी टेक्निक। क्या लिखा हुआ है, वर्क स्टडी टेक्निक। अब मैं बहुत देर से एक ही बात बोलूँ कि वर्क स्टडी कितने टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करता है, 2 टाइप का। क्या पहला क्या है, पहला है कि कौन सा मेथड यूज करना है किसी भी जॉब को करने के लिए, और दूसरा कि उसको टाइम कितना लग रहा है कंप्लीट करने के लिए। 2 प्रॉब्लम्स। अब इसी 2 प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हमने 2 टेक्निक बना दी। एक का नाम पड़ा मेथड स्टडी
और दूसरे का नाम पड़ा वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट मेथड यूज करना चाहिए, और वर्क मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं कि उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगना चाहिए। बोलो क्लियर है? फिर से दो प्रॉब्लम्स का डील, पहला कि कौन सा मेथड और दूसरा कितना टाइम। तो कौन सा मेथड के लिए क्या पढ़ेंगे? मेथड स्टडी। और कितना टाइम के लिए क्या पढ़ेंगे? वर्क मेजरमेंट। तो अगर लॉजिकली एक चीज सोचा जाए तो मेथड स्टडी डील करता है कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और वर्क मेजरमेंट में हम लोग टाइम के बारे में पढ़ते हैं। बोलो बात क्लियर है? तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं मेथड स्टडी के बारे में। बोलो क्लियर है? चलो हेडिंग डालते हैं मेथड स्टडी। चलो दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड स्टडी के बारे में। एकदम अच्छे समझना, बहुत ही सिंपल है। बहुत क्या हुआ कि हम अच्छे सुनना कि मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, आखिर प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? कि मान लो मेरे को एक काम है चाय बनाने का, सिर्फ एग्जांपल है ताकि तुम लोगों को दिमाग में बैठ जाए, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई कंपनी चाय नहीं बना के बेचती है, ठीक है? चलो, क्या है कि मेरे को ना एक चाय बनाने का एक मेरे को काम दिया गया है, ठीक है? तो काम दिया गया है तो क्या हुआ कि हम लोग इसको एक मेथड के थ्रू चाय बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोग क्या करें, सुनना ढंग से, कि दो बातें है ना, कि जब चाय बनाया जा रहा था तो हमसे पूछे उससे कि कैसे बनाता है, तो बोला कि पहले दूध डालेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसमें ये चाय पत्ती डालेंगे, और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से उतार देंगे तो चाय रेडी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये इसका मेथड था बनाने का। बोलो क्लियर है? अब सुनना क्या बोला, इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब कि ये क्या चीज है मेथड स्टडी, कि जो तुम अभी काम कर रहे हैं ना, अभी जो चाय बनाया जैसे है ना, उसका हम लोग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेंगे इसका मतलब उससे देखेंगे है ना कि वो क्या क्या किया, पहले दूध डाला, फिर चाय पत्ती डाला, फिर चीनी डाला, उसका रिकॉर्डिंग, एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ, सोचना। क्रिटिकल एग्जामिनेशन कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि जब तुम चाय बना रहे थे तो उसे हम पूछे कि भाई कितना उसमें मिल्क डाला, कितना चाय पत्ती डाला, कितना चीनी डाला। तो ये जो क्वेश्चन लोग करते हैं ना हम लोग है ना, किसी भी मेथड के द्वारा, जो भी मेथड, वो जिस वर्क जो भी किया जा रहा है, तो जो वर्क किया जा रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि भाई कितना चीनी डाला, कितना दूध डाला। बोलो क्लियर है? तो ये सब जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन। बोलो क्लियर है? तो अब बात को फिर से रिपीट करते हैं कि ये डिफाइन करते हैं कि जो अभी करेंट में काम हो रहा है सही है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेंगे, और क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब उससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या हो गया है ना, किसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, जो अभी मेथड यूज हो रहा है उसके बारे में। बोलो क्लियर है? अच्छा, एज ए मीन ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफिशियंट मेथड एंड देयर बाय रिड्यूस कॉस्ट। अगर हम लोग उससे पूछ लेते हैं और उसका सब कुछ सिस्टम देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है और क्या क्या क्वांटिटी कितना कितना डाल रहा है, बोलो क्लियर है? अगर ये बात पता हमको चल जाता है तो क्या हम लोग दूसरा मेथड और सर्च नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको नहीं, इसको और दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है ना? तो वही बोला है कि अगर तुम पुराने मेथड को जान जाओगे तो नया मेथड फिर तुम डेवलप कर सकोगे, और वो मेथड कैसा होना चाहिए, इजियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है? और मोर इफिशियंट, और क्या होना चाहिए, इफिशियंट भी होना चाहिए, सही। अच्छा, क्यों होना चाहिए, ताकि जो मेरा कॉस्ट है वो क्या हो जाए, बनाने का रिड्यूस हो जाए। बोलो क्लियर है? सिस्टम एकदम समझना है, एकदम ढंग से मेथड स्टडी। पहले क्या करो कि जिस मेथड से अभी काम कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लो, देख लो, उससे पूछ लो, सही है? अगर ये बात कर लेते हो तो फिर तुम नया मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हो, और जो इंप्लीमेंट मेथड करोगे वो पहले से इजियर होना चाहिए और मोर इफिशियंट होना चाहिए, ताकि जो मेरा कॉस्ट है वो क्या हो जाए, बनाने वाला जो कॉस्ट हो जाए वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। बोलो क्लियर है? ये कहलाता है मेथड स्टडी। बोलो एकदम क्लियर है अच्छे से? चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं इस पे। देखो क्या लिखा है, बोलता है दूसरा पॉइंट कि इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग बेटर वे टू डू वर्क। ये इतना जो तामझाम ऊपर का डेफिनेशन है या मेथड स्टडी है, इस तामझाम का एक ही मतलब है,
सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग एक अच्छा तरीका खोजते हैं उस काम को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, और जो प्रीवियस मेथड से अच्छा तरीका होना चाहिए। सिंपल मतलब यही है वर्क सॉरी मेथड स्टडी का। एक बात पूरे डेफिनेशन में तुम कंसीडर करो, कहीं दूसरे टाइम की चर्चा नहीं करनी, क्योंकि टाइम के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है इसमें। टाइम के बारे में रिलेशन कहां पे पढ़ेंगे? वर्क मेजरमेंट में। यहां पर मेथड में या मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? मेथड के बारे में। हमको टाइम से कोई मतलब नहीं है। मेरा बस सिंपल मतलब है कि तुम जो मेथड यूज कर रहे हो है ना, उसके बारे में जांच लेंगे और हम एक नया मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। बोलो क्लियर है? सिंपल मतलब है मेथड स्टडी का, इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, एक बात सोचिए, मेथड स्टडी में क्या करते थे कि पुराने वाले मेथड को देखते थे, रिकॉर्ड करते थे, उसके बारे में सबको जान लेते थे और नया मेथड यूज करते थे ताकि पहले मेथड से वो अच्छा हो और इजियर भी हो और इफिशियंट भी। अच्छा, अगर हम लोग नया मेथड यूज कर रहे हैं मतलब पक्का कि पिछले वाले मेथड के कंपेरिजन में ये वाला अच्छा है। बोलो क्लियर? अगर अच्छा है इसका मतलब यह है कि पहले के कंपैरिजन में अब की प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट इसमें लिखा गया है, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। बोलो क्लियर? अच्छा, इंप्रूव वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि मोस्ट मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं है ना, वर्किंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं, एक नया मेथड लेके आते हैं प्रीवियस के कंपैरिजन में, है ना। अच्छा, टू हैव मोर इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मेथड अच्छा है तो मेथड अच्छा है इसका मतलब क्या हुआ होगा? मेथड अच्छा है इसका मतलब ये हुआ होगा कि हम लोग मैन मशीन सब कुछ का जो यूटिलाइजेशन है ना, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज को कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? और लास्ट पॉइंट, टू इलिमिनेट वेस्टेज ऑफ लेबर, है ना। सोचो कि पहले मेथड में क्या हुआ, सुनना अच्छे से, कि हमने क्या करा हुआ था कि चाय डालने के लिए, चाय पत्ती डालने के लिए अलग आदमी रखा हुआ है ना, चीनी डालने के लिए अलग आदमी एग्जाम्पल अलग रखा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि अब बढ़िया मेथड हम लोग बनाए, तो हमने ऐसा किया होगा कि नहीं भाई, चाय चाय पत्ती दोनों एक ही आदमी डालेगा। बोलो बात क्लियर है ना। तो क्या बोला है कि इलिमिनेट वेस्टेज ऑफ लेबर। अच्छा, टाइम भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर मेथड अच्छा है तो मेथड तो अच्छा है, तो उसमें मानिए कि टाइम भी क्या हो जाएगा, हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बोलो क्लियर है ना। अब हम लोग नया टॉपिक एक और पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि क्या प्रोसीजर होगा मेथड स्टडी करने का, है ना। मेथड स्टडी करने का प्रोसीजर क्या होता है, अच्छे से बात को समझना। सबसे पहले बताओ कि मेथड स्टडी ने क्या किया। मेथड स्टडी ने किए कि कोई पुराना काम हो रहा था, कोई काम हो रहा था, उसके प्रोसेस को हम लोग जाने, है ना, किसी भी तरीके से, है ना, और फिर हम लोग नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट किए। बोलो क्लियर? तो ये कैसे होता होगा, है ना। मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, एक बार अच्छे से समझ लो क्या हुआ। सबसे पहला काम सुनना, कैसे हम लोग नया मेथड यूज लगाएंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्या किए कि हम लोग सेलेक्ट किए, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल, है ना। इसका उधर से नहीं, ये बात तुमको दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। कि मान तुम्हारा घर है, तो घर में क्या होता है, चाय भी बनता है, चावल भी बनता है, दाल भी बनता है, बहुत सारे आइटम बनते हैं, है ना। हमने क्या किया कि हम एक वर्क लिए और वो वर्क मेरा चाय था, वो वर्क मेरा क्या था, चाय था। बोलो क्लियर है? तो हमने एक वर्क सेलेक्ट किया, क्या, चाय का, है ना, कि भाई चाय कैसे बनता है उसके बारे में सेलेक्ट कर रहे, सिर्फ एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब कि घर में चाय बन रहा था, ठीक। तो हमने क्या किया कि वो कैसे बन रहा है, बोलो क्लियर है, है ना, उसमें क्या मेथड यूज हो रहा है बनाने का, उसका सीक्वेंस क्या है, मतलब कि पहले चाय, पहले दूध डाला गया, फिर चीनी डाली गई, फिर चाय पत्ती डाला गया। बोलो बात क्लियर है ना। एग्जाम्पल में से ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मान लो तुम्हारा मन है तो इलायची इलायची डाल दो भाई, तुम्हारा अपना मन है, है ना। तो हमने ये सब चीज़ क्या किया, रिकॉर्ड किया। बोलो क्लियर है ना। और उसको अच्छे से लिख दिया मैंने एक पेपर पर या कहीं भी हमने रिकॉर्ड करके उसको अच्छे से ढंग से लिख लिया, ठीक है।
ठीक है। अब सुनना, तो मतलब पहले जॉब सेलेक्ट किया और वो कैसे काम हो रहा था उसके बारे में मैंने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, याद है ना। अच्छा अब एग्जाम में अब हम लोग देखेंगे है ना कि भाई दूध डाला उसमें, थोड़ा सा पानी भी डाला होगा, थोड़ा सा चीनी भी डाला होगा, थोड़ा सा चाय पत्ती ये सब भी डाला होगा, ठीक है। तो हम सोचे क्या है ना कि क्या हुआ था प्रीवियस मेथड में, सुनना प्रीवियस मेथड में क्या हुआ था कि अच्छी सुनना प्रीवियस मेथड में कि पहले दूध डाला गया, उसके बाद गर्म हुआ, तो उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी डाला गया, बोलो क्लियर है। तो अब एग्जामिन स्टार्ट हो चुका है, तो एग्जामिन जो कर रहा था क्या सोचता है, वो ये दूध पहले डालता है, उसका थोड़ा देर गर्म करता है, उसके बाद फिर पानी डालता है, उसने ऐसा सोचा क्योंकि यही हो रहा था। तो फिर वो क्या सोचता है कि वो ऐसा करते हैं कि दूध और पानी दोनों एक साथ मिक्स करके डालते हैं, पूरे बात क्लियर है। तो एक वो नया मेथड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एक नया मेथड वो एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, बोलो क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ये एग्जामिन करके एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है ना, कि भाई ऐसा वो किया था तो उसमें क्या क्या चीज था जो हम हटा सकते थे, है ना, वेस्टेज को हम लोग जो समय लगा उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लॉजिकली ये तुम सोचो कि पहले दूध डालोगे थोड़ा सा गर्म होगा, फिर तुम पानी डालोगे तो थोड़ा सा और गर्म करना पड़ जाएगा, बोलो क्लियर, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद चीनी डालोगे, बोलो क्लियर है। तो एग्जामिन करने वाला ऐसे सोच रहा था कि हो यहाँ पर दिक्कत है, वो क्या टाइम बचाया जा सकता है जब दूध और पानी दोनों को एक साथ डाल दिया है ना, तो एक्स्ट्रा हमको गर्म फिर नहीं करना पड़ेगा, तो एग्जामिन कर रहा है। तो एग्जामिन में क्या होता है कि जो प्रीवियस मेथड था उसमें कुछ ज्यादा जो समय लग रहा था जिसके कारण उसको हम लोग क्या किए कि कम किए, बोलो क्लियर है, और अच्छे से उसको ढंग से ताकि मेरा टाइम क्या हो जाए कम हो जाए, या जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, जो भी मेथड हो रहा है पिछले कंपेरिजन में क्या हो जाए अच्छा हो जाए, वो एग्जामिन कर रहा है, ठीक है। अब जब एग्जामिन कर लिया कि हाँ भाई कहाँ कहाँ वेस्टेज है इसका, बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझो है ना। अच्छा तो ये सब काम क्या करता है, एग्जामिन कर रहा था। एग्जामिन में सिंपली मतलब यही है कि वो क्या करता है कि जो भी तुम प्रीवियस मेथड यूज कर रहे हो क्या उसमें कहीं से हम लोग, ये भी तो अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, जैसे कि मेरा मानना ये है कि उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले तुमने क्या बोला कि भाई चीनी है तो उसमें इलायची भी डालेंगे, तो हम क्या सोचे कि नया मेथड में क्या जरूरी है इलायची डालने का, बोलो क्लियर है, कुछ और भी इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि और भी अच्छा हो जाए। सिर्फ एग्जाम्पल है ना इस, तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा मामला क्या हो रहा है, ठीक है। तो एग्जामिन किया, एग्जामिन में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि मान लो है ना कि तुम कोई जगह पे चाय बना रहे थे, ठीक है, तो मान लो तुम घर में किचन में नहीं बना रहे थे, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाई वर्क प्लेस भी जरूरी है, उसको भी एग्जामिन कि भाई यहाँ पर ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे और ज्यादा टाइम लग रहा है, सही है ना, इसलिए क्या करो कि किचन में बनाओ, या फिर और करो कि बाहर में कहीं और दूसरा जगह ले लो, बोलो क्लियर है। तो ये सब चीज हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अच्छा जब एग्जामिन हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नया टेक्निक, अब जो भी हम लोग मेथड अब नया सोचेंगे उसको ना डेवलप करेंगे, नया मेथड है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप है ना, जो भी नया मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं उसको हम लोग डेवलप करेंगे, हाँ भाई अब अगले बार ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, नया मेथड बन गया है ना, और पिछले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ये अच्छा भी हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अच्छा तो जब हो गया डेवलप तो अब इंस्टॉल करो, मतलब कि अब बनाना चालू करो, डिस्कस कर लो सबसे कि भाई देख लो ये अच्छा है ना तरीका, सबको बोलो हाँ भाई बहुत बढ़िया है, तो अब क्या करो इंस्टॉल करो है ना, अब क्या कर दो कि मतलब अब चालू कर दो उसी तरीके से चैनल, बोलो क्लियर है, नया मेथड तो ठीक है। लास्ट है मेंटेन, मेंटेन कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो नया तुमने मेथड इंप्लीमेंट किया है अब उसको कंटिन्यू रखो, ठीक। अब सुनना, एक कंटिन्यू रखो लेकिन फिर भी हम लोग कोई दूसरा मेथड के चक्कर में फिर लग जाएंगे है ना, ताकि अभी जो नया मेथड बना उससे भी कोई बढ़िया मेथड आ जाए, बोलो बात क्लियर है। मैं सिर्फ टी के चाय बनाने का एग्जांपल दिया, बोलो क्लियर है। प्रोडक्शन में अगर हम लोग कंपनी बात करते हैं तो बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है ना, तो बस सिर्फ मैं एक एग्जांपल लिया है ना। अब मेंटेन में क्या होगा कि उस प्रोसेस को जो तुम नया किया उसको मेंटेन रखो और फिर दोबारा नया के चक्कर में लग जाओ है ना, ताकि एक नया और मेथड आ जाए, ताकि इससे भी क्या हो जाए बढ़िया से बढ़िया हम लोग मेथड और भी इसको बना सके, बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। चलो अच्छा अब एक नया टर्म है रिकॉर्डिंग टेक्निक, याद करना कुछ देर पहले क्या किया था तुम लोगों ने, कि क्या किया था कि एक तुमने जॉब सेलेक्ट किया था, याद है नहीं। अच्छा और उसके बाद तुमने रिकॉर्ड किया था है ना, रिकॉर्ड क्या किया था कि भाई कैसे बन रहा है क्या हो रहा है,
बोलो क्लियर है, हम उसमें क्या क्या डाला जा रहा है, बोलो क्लियर है। तो बोलता है कि जब तुम मेथड को सिलेक्ट करते हो, आफ्टर सिलेक्टिंग ए जॉब, कोई भी जॉब तुम सिलेक्ट करते हो, सॉरी कोई भी तुम जॉब सिलेक्ट करते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब वो किस तरीके से काम हो रहा था उसके बारे में। ऑल फैक्ट टू दिस मेथड टू बी स्टडीज, है ना, सब कुछ हमने क्या किया कि जो मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, जो जॉब यूज किया था और वो बनाने का जो तरीका था उसके बारे में हमने सब कुछ रिकॉर्ड करा था। तो रिकॉर्ड करने के दो तरीके, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक। रिकॉर्डिंग टेक्निक के कितने तरीके, दो टाइप के होते हैं, पहला प्रोसेस चार्ट और दूसरा डायग्राम। बोलो क्लियर है, सुनना ढंग से। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, तो प्रोसेस चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, ढंग से सुनना, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो कोई भी जॉब बनाने के लिए बहुत सारे चीज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि हमको नट और बोल्ट को कंबाइन करना है, है ना, तो क्या किया गया, तो पहले नट लिए, फिर बोल्ट लिए और फिर उसको ज्वाइन करें। बोलो क्लियर है, तो हमने इसको कुछ कुछ काम करा, नट भी लिया, बोल्ट भी लिया और उसको ज्वाइन भी करा। बोलो बात क्लियर है, तो इन सब चीजों के बारे में कहां पे पढ़ते हैं, प्रोसेस चार्ट। बोलो क्लियर है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस चार्ट में लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बोलो क्लियर है, प्रोसेस चार्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बोलो बात क्लियर एकदम, अच्छा भाई प्रोसेस चार्ट में पता चल गया हमको कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि मान लो कोई एक प्रोसेस है तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते होंगे, तो उनके बारे में जहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग उसको बोलेंगे प्रोसेस चार्ट। लेकिन एक बात नहीं समझना है कि ठीक है तुम उसके बारे में पढ़ेंगे तो भाई हमको तो मैन कैसा काम कर रहा है, मशीन कैसे काम कर रहा है, उसके मूवमेंट के बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम लोग प्रोसेस चार्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं उसके बारे में, है ना। लेकिन मैन मशीन मटेरियल का भी जो मूवमेंट हो रहा होगा ना, कुछ कुछ फ्लो हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, डायग्राम में पढ़ते हैं। बोलो बात क्लियर है, यहां तक कोई कष्ट वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है। एक बात पिछले में बोलना भूल गया, प्रोसेस जो चार्ट है उसको हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं। हम लोग जम के पढ़ेंगे प्रोसेस चार्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल इतना समझे कि प्रोसेस चार्ट में क्या होता है कि वह चार्ट जो प्रोसेस के बारे में बताता है, है ना, कि भाई कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो जो ऑपरेशन हो रहा होगा उसके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, प्रोसेस चार्ट। कुछ सिंबल है जो प्रोसेस चार्ट में हम लोग यूज करते हैं। टोटल कितने सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। बोलो क्लियर है, ये सिंबल, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। कंपनी में क्या होता है कि कहीं पे सिंबल दे दिया गया आपको, तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन चल रहा है। बोलो क्लियर है, ऑपरेशन कहने का मतलब कि मान लो कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे होंगे। जैसे कि मान लो कि एक काम दिया गया तो भाई मेरे को ड्रिलिंग भी करना है, मिलिंग भी करना है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, है ना, तो ड्रिलिंग मिलिंग क्या हो गया, टैप के ऑपरेशन हो गया। बोलो क्लियर है, अच्छा ढंग से समझते चलना, इसका मतलब है स्टोरेज। इस सिंबल का मतलब है स्टोरेज। स्टोरेज कहने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो गया या फिनिश्ड गुड हो गया, तो जहां पर रखा हुआ है उसको हम लोग यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि अपना टेक्निकल क्लास है ना, तो टेक्निकल क्लास में एक स्टोर रूम है, तो क्या होता है कंपनी में कि जब पर स्टोर रूम होगा ना तो सिर्फ मान लो सब रूम बंद है, सब रूम क्या है, बंद है, तो मान लो एक रूम के ऊपर ना ऐसा सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर स्टोरेज है। बोलो क्लियर है, हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, है ना, चलो और आगे देखते हैं। बोलो क्लियर है, चलो भाई, तो ये स्टोरेज हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज हो गया। जैसे कि मान लो कहीं पे रॉ मटेरियल स्टोर है या फिर मान लो कि कहीं पे फिनिश स्टोर है ना, अब उसका आगे एक्शन होना बाकी है ना, तो स्टोर रूम कौन सा रूम होता है, वो रूम जहाँ पर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल इंतजार करते रहता है कि अब मेरा काम, अब मेरा नंबर आएगा, मतलब कि एक्शन के लिए वो वेट करते रहता है। बोले बात क्लियर है, चलो और देखते हैं। इसका मतलब होता है, ये साइन रहेगा तो इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो कि कोई वर्क पीस हम लोग
है ना, या वर्कपीस है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बोलो क्लियर है। तो भाई वो सही तो चल रहा है ना, मतलब इंस्पेक्शन सही चलने का मतलब ये है कि इंस्पेक्ट के मतलब उसका क्वालिटी तो खराब नहीं हो गया है। तो ये चीज के लिए हम लोग ये सिंबल देते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा सिंबल होगा तो इसका मतलब क्या है, इंस्पेक्शन हो रहा है ना, कि भाई कहीं क्वालिटी तो खराब नहीं हो गया है, तो इंस्पेक्शन का सिंबल इससे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस डी का मतलब होता है डिले, डिले। मान लो कि एक प्रोसेस था, है ना, जैसे कि मान लेते हैं, अच्छे समझना एग्जांपल के लिए, कि मान लेते हैं कि हमने क्या करा कि मार्कर को असेंबल करना था, ठीक है, तो हमने सब कुछ कर दिया, अब जाके यहाँ पर कैप लगने वाला है, बोलो क्लियर है। तो भाई यहां से उठ के जब वहां जाएगा, या मान लो किसी कारण बस इसको यहां जाने में कुछ समय लग गया, तो इसका मतलब कि कुछ डिले हो रहा है टाइम में, बोलो क्लियर है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डी से करते हैं, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसका एरो का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह सामान जाएगा, बोलो क्लियर है। तो हम लोग इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बोलो क्लियर है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब मूवमेंट है किसका, है ना, कोई भी वर्कपीस का, है ना, या कोई भी आइटम का एक जगह से दूसरे जगह, बोलो क्लियर है अच्छे से। तो हम लोग प्रोसेस चार्ट में ये हम लोग यूज करते हैं कुछ सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसेस चार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।